लोकतंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी गुंडागर्दी वाली पार्टी कोई हो नहीं सकती। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके लड्डू खाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है, ये योगी नहीं हो सकते। मैंने कई मौकों पर कहा, फिर कहता हूं, मैं बात दोहराता हूं, ये योगी नहीं है। अगर कोई योगी होता तो शायद जनता को दुख नहीं देता। हमारी बहनों के साथ क्या व्यवहार हुआ, उनके कपड़े छीन लिए गए, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, अपमान हुआ, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जब जनता ने चुनाव उनके सामने आया तो जनता ने अपना समर्थन दिखाया और सबसे बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सदस्य भी जीते, बीडीसी भी जीते, प्रधान भी जीते। लेकिन सरकार ने यह तय कर लिया कि उन्हें लोकतंत्र में बहुमत जिसको मिला उसकी कोई परवाह नहीं है, जो जनादेश है उसकी कोई परवाह नहीं है, और जानबूझ करके रणनीति बना करके और फुल फ्लैश प्लानिंग करके जो चुनाव कराए गए उस हमारे और आपके सामने परिणाम हैं। लोकतंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया है। इतनी गुंडागर्दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अगर कोई पर्चा खरीदने गया है, पर्चा लेकर के पहुंचा है, तो उसका इंतजाम पूरा का पूरा किया प्रशासन ने कि कैसे छीना जाएगा। जिस प्रदेश की पुलिस और जिस प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी इस बात पे लगे हों कि पर्चा कैसे छीना जाएगा, और उसी समय हम लोगों ने वो चीजें देखी जो कभी कल्पना नहीं कर सकते हम। हमारी बहनों के साथ क्या व्यवहार हुआ, उनके कपड़े छीन लिए गए, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, अपमान हुआ, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। इनों के साथ कैसा व्यवहार किया, और केवल इसलिए कि ब्लॉक प्रमुख उनका बन जाए, पैसा चला वो अलग है, झूठे मुकदमे दर्ज हुए वो अलग है, गंभीर धाराओं में लोगों को घर पर नहीं रहने दे या वो अलग बात है। और सोचिए खुशी कैसे मनाई जा रही थी, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके लड्डू खाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है, ये योगी नहीं हो सकते। मैंने कई मौकों पर कहा, फिर कहता हूं, मैं बात दोहराता हूं, ये योगी नहीं है। अगर कोई योगी होता तो शायद जनता को दुख नहीं देता। और मैं क्या कहूं, आज तो रिकॉर्डिंग है सबके सामने, लखीमपुर में जो बहनों के साथ हुआ उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग है कि कौन कौन उसके कपड़े को छीन रहे थे। दोनों बहनें मुझसे मिली यहां करके, दोनों बहनों से मैं मिला और हमने भरोसा दिलाया कि पूरे के पूरा उनके सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी दिखाई देगी। इटावा के एसपी सिटी, उनका कहना, उनका मोबाइल पे बात करना, किस वरिष्ठ अधिकारी से बात कर रहे थे वो वही जानते हैं, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये बम, ये इस तरह का पथराव और इस तरह की कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं। जहां नहीं जीत सकते थे चुनाव, वहां सोचिए बराबर करके चुनाव जीत लिया, बराबर कर करके चुनाव जीत लिया, और संज्ञान में कौन ले इस बात को। एसपी सिटी अपमानित हो जाए, एसपी सिटी झापड़ खा जाए, पत्रकार खुलेआम पिटे उन गांव में, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में पत्रकार पिटे, इस सरकार को उसकी परवाह नहीं। वो भी लोकतंत्र के धज्जियां उड़ते हुए बधाई दे रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक काम और कुछ हो नहीं सकता। यह सब जनता ने देखा है और समय आने पर जनता हिसाब किताब करेगी और जनता इनको सबक सिखाने का भी काम करेगी। जो कुछ और जिलों में हुआ है, तमाम कार्यकर्ता नेता हमें मिले हैं, जानकारी मिली है, पार्टी कार्यालय में सूचना मिली है, जिस तरीके से कोरोना में इन्होंने सही आंकड़े नहीं दिए कि कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई, न कोई मदद पहुंची उन तक, न कोई आंकड़े दिए हैं।
संख्या क्या है यह सरकार नहीं बताना चाहती, क्योंकि सरकार मदद नहीं करना चाहती है। एक बार शिक्षक लोगों को जो ड्यूटी पे गए थे कहा कि केवल 3 लोगों की जान गई है। बाद में संगठन और हम सब लोगों ने जब सवाल खड़े किए तो सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि कितनी बड़ी संख्या में जान गई है। जो और प्रदेशों में जो होता हो वो होता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितना गुंडागर्दी हुई है शायद पूरे पॉलिटिकल कैरियर में अभी तक मैंने गुंडा शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। जब से पंचायत के चुनाव देखे हैं टीवी पर और लोगों ने बताया और जानकारी की कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी गुंडागर्दी वाली पार्टी कोई हो नहीं सकती, और प्रशासन का साथ लेकर के गुंडागर्दी करना, ये लोकतंत्र में नई परिभाषा तय की है। इसी तरह जो गोरखपुर में हुआ है, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है, चिन्हित कर करके उसकी टांग तोड़ दी गई, वो खड़ा है बैठा है यहां पर। हमारे ये पूर्व पार्टी में है, इनके भाई हैं, इनका चिन्हित करके इनका हाथ तोड़ दिया गया। न जाने कितने लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए, न जाने कितने लोगों पर गंभीर धाराएं लगी हैं, न जाने कितनी घरों को गिराने के लिए तैयारी कर ली कागज की। इसलिए जो हुआ है वो सबने देखा है, और समय आने पर जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।